वेरी गुड मॉर्निंग. क्लास थर्ड सब्जेक्ट इज कंप्यूटर. चैप्टर 7 देखेंगे, मोर ऑन विंडोज़. ठीक है, विंडोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू सॉल्व वेरियस अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसपे कि हम ढेर सारे लॉजिकल और अरिथमेटिकल यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं. कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड डज मैनी वर्क्स एट अ टाइम. ठीक है, कंप्यूटर जो है अलग अलग पार्ट से बना है और एक साथ ढेर सारे काम कर सकता है. इट ऑल्सो नीड अ सपोर्ट सिस्टम टू वर्क. इसको काम करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है. दिस सिस्टम इज़ दी ऑपरेटिंग सिस्टम और OS. ठीक है, हम जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं और शॉर्ट में OS के नाम से जानते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर. ठीक है, क्या है कि सॉफ्टवेयर होता है जिसके हेल्प से कंप्यूटर काम करता है. ठीक है, इट गाइड्स द कंप्यूटर टू वर्क, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? ये कंप्यूटर को गाइड करता है कि किस तरीके से काम करना है और इसको इसको कंट्रोल करता है, इसको मैनेज करता है कंप्यूटर के वर्क को. ठीक है, और अलग अलग पार्ट्स के जो होते हैं कंप्यूटर को के उसको भी मैनेज करता है. इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र यानी कि हम अगर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, सो वी आर यूज़र. यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है. सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़, मैकिंटोश एंड लिनक्स. ये तीन हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं. कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या होता है OS का. इट कंट्रोल्स वर्किंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट को के वर्क करने को कंट्रोल करता है और स्टोर करता है सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स को. ठीक है, और रिकॉर्ड को स्टोर करने का भी काम करता है. टाइप्स ऑफ OS देखेंगे, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूज़र में क्या होता है? एक ही यूज़र उसको ऑपरेट करता है एक बार में. ठीक है, एक एक आदमी बैठ के काम करेगा जो कि हो जाएगा आपका MS-DOS होता है और मैक ओ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सब क्या है? सिंगल यूज़र है. ठीक है, उसके बाद मल्टी यूज़र में एक साथ दो एक एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं. ये आपका हो जाएगा यूनिक्स, लिनक्स, नेटवर्क एट्सेट्रा. अब देखेंगे हम विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ सॉफ्टवेयर और MS विंडो इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA. ठीक है, जो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ये USA का बना हुआ है और इसके ढेर सारे वर्जन हैं जो कि होते हैं विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 एट्सेट्रा. ठीक है, व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क ऑन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसका जो विंडो होता है वो अपलोड होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द हार्ड डिस्क आपके स्क्रीन पे. ठीक है, उसके बाद वाइल लोडिंग पिक्चर्स ऑफ विंडो फ्लैग विल अपियर ऑन द मॉनिटर. ये इस तरीके का फ्लैग अपियर होता है आपके स्क्रीन पे. साथ ही साथ उसका नाम भी अपियर होता है जो भी विंडोज कंप्यूटर में फीड होता है. ठीक है, और इस प्रोसेसिंग इज कॉल्ड बूटिंग. इसको बूटिंग बोलते हैं. जैसे आपका ये फ्लैग शो होना शुरू होता है, चाहे वो विंडो 7 हो चाहे विंडो 10 हो, विंडो 10 में इस तरीके का आपका लोगो बन के आता है, इसको बूटिंग बोलते हैं. ठीक है, MS विंडो इज़ अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड इट इज़ ग्राफिक बेस्ड. ठीक है, ग्राफ पे बेस्ड होता है और ईजी टू यूज़ होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या है. विंडोज़ डेस्कटॉप, ये जिसे आप खोलते हैं कंप्यूटर इस तरीके की स्क्रीन बन के आती है जिसमें कि ढेर सारे आइकन्स आपको दिखाई देते हैं, ढेर सारे गैजेट्स दिखाई देते हैं. तो जिस भी जिसका आइकन आपको दिखाई देता है वो उसका वो एप्लीकेशन होता है, चाहे वो किसी मीडिया प्लेयर का हो या फिर इमेज का हो या फोल्डर का हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर का हो. अलग अलग तरीके के जो आइकन्स बने होते हैं तो वो उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है, गैजेट्स आप देख रहे होंगे जो नीचे टास्क बार आपको दिखाई देती है उसमें क्या होता है कि नहीं सो गैजेट्स आपको दिखाई देते हैं जिसमें कि सबसे राइट में आपको टाइम और डेट का भी दिखाई देता है. जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा जहाँ से आप डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है वॉलपेपर है ये आपका जो कि बैकग्राउंड आपका चेंज कर सकते हैं आप. उसके बाद टास्क बार जो कि अब आता है जब कभी तो उसके उसी में आपको में
एप्लीकेशंस उसमें अलग अलग स्टोर होते हैं। ये जो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा विंडो, क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे कंप्यूटर के, तो यहाँ पर ढेर सारे लॉन्च पैड्स आपको दिखाई देंगे। ये फोल्डर का होता है, जिस किसी भी हार्ड डिस्क में आपको खोलना हो। ये स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। ये माई कंप्यूटर होता है, ये आपका अलग अलग गैजेट्स का भी शो हो रहा होता है, जहाँ से आप कंप्यूटर को जब खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट बटन से आप आपके स्टार्ट या फिर बंद कर सकते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।